हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स चैनल। मैं कियान रिजवी होस्ट कर रहा हूँ आईपीएल आफ्टर पार्टी। तो मेरे आज के गेस्ट हैं ताऊस रिजवी। ओए नॉटी बॉय, दिस इज माय शो नॉट योर्स। और तुम मेरे गेस्ट हो, मैं तुम्हारा नहीं। वेलकम टू द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कल कि हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल आ रहा है, सितंबर 19 से शुरू हो रहा है और पहला ही मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, टू बेस्ट टीम्स इन द आईपीएल। तो दोस्तों चार दिन बाकी आईपीएल शुरू होने को है कि नहीं क्या? हाँ। तो हम फटाफट दो दो टीम्स के स्वॉट एनालिसिस, तो आपको जरा सा शॉर्ट में ब्रीफ में पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कोई किसकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या वीकनेसेस और कौन एक्स फैक्टर हो सकता है। सो क्या ना, आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। पहली टीम जो बात करेंगे जिसके बारे में, वो है मुंबई इंडियंस, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द आईपीएल, और जो हमेशा कोर लेके आती है, अपनी कोर की तरफ ही काम करते हैं, रिटेन करते हैं अपने प्लेयर्स। तो ये टीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमेशा की तरह हर टूर्नामेंट में जैसे जाते हैं इन लोग। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनके पास और उसी की वजह से इन्होंने चार आईपीएल टाइटल्स मार चुके हैं। क्या मालूम आपको क्या है कि लसित मलिंगा वापस जा चुका है श्रीलंका? क्यों, क्या है? लसित मलिंगा चुका है, वो बड़ा मेजर लॉस है मुंबई इंडियंस के लिए। एंड ही वाज इन टॉप फॉर्म, मतलब 6 महीने का कोरोना वायरस लॉकडाउन छोड़ दीजिए, क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस नहीं मिली, बट ही वाज इन ब्यूटीफुल फॉर्म जो पास्ट मैचेस में देखें या बिग बैश या जो भी टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं 2020 क्रिकेट में। बट हाँ, इंजरी हो गई अनफॉर्चुनेट, तो ही हैड टू गो बैक। सो एनीवे, क्या पहला क्वेश्चन था आपका? स्ट्रेंथ क्या है मुंबई इंडियंस की? अरे आपका फेवरेट टीम है शायद, तो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे स्ट्रेंथ मुंबई इंडियंस की है तो उनका कोर ही स्ट्रेंथ है उनके पास, जो कैप्टन रोहित शर्मा है ऑफ कोर्स है। और क्या नहीं, ये बॉल गिरा दिया है जो कि बहुत कीमती है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन प्लेयर्स हो, तो दे हैव सम ग्रेट बैट्समैन। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव इज इन टॉप फॉर्म लास्ट 2 ईयर्स, उनका ही बर्थडे था कल। दे हैव ऑफ कोर्स क्विंटन डिकॉक जो विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनर के रोल में भी खेल सकते हैं। देन यू हैव क्रिस लिन, वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो केकेआर में थे इसके पहले, व्हाट बैट्समैन ही वाज। जैसे मैंने कहा आपको क्या, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैट्समैन, मतलब क्या बैटिंग करते हैं जब टॉप ऑर्डर करते हैं, तो अगर वो अपने टॉप फॉर्म में हो छक्के जोड़ा देते लोगों के। होम ग्रोन टैलेंट्स भी हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऑफकोर्स ही इज देयर। हार्दिक पांड्या के तो इनकार नहीं कर सकते, एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग भी करते हैं और धमाका जो करते हैं, आपके फेवरेट प्लेयर ही होंगे। हार्दिक पांड्या, उसकी क्वालिटी क्या अच्छी लगती है आपको? मुझे उसका स्टाइल अच्छा लगता है जब वो स्पेशली शॉट्स मारते हैं। शॉर्ट्स मतलब जो बड़े बड़े शॉर्ट्स खेलते हैं, वो स्टाइल आपका अच्छी लगती है, तो क्या का फेवरेट वही है। एंटरटेनिंग क्रिकेट है आईपीएल, लोग सिक्सेस और बाउंड्रीज देखने आते हैं आईपीएल में, आप भी वही देखने आते होंगे, आपको तो डिफेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनका। देन कम्स कृणाल पांड्या, लेफ्ट हैंडर हु ब्रिंग्स वैरायटी इनटू द बैटिंग। क्विंटन डिकॉक के अलावा लेफ्ट हैंडर ये भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, अ वेरी गुड बैट्समैन, समवन हु कैन गो ऑल आउट। सिक्सेस जो लंबे लंबे मारते हैं, जो आपने देखा होगा कृणाल का, ब्यूटीफुल। एक अलग फैक्टर जो है जो हमेशा रहे हैं मुंबई इंडियंस के साथ, वो है काइरन पोलार्ड, आपके फेवरेट प्लेयर ही होंगे, आपके जिस तरह से वो मारते लंबे लंबे छक्के, वो तो मजा आ जाता है वो देखकर। हाँ, बहुत मजा आता है, इनफैक्ट सबको मजा आता है जब काइरन पोलार्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ये एडवांटेज है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्वालिटी ऑलराउंडर है, वो हर मैच में एमवीपी हो सकते हैं, मतलब ये वैल्यू लाती है एक टीम के लिए। जब इनकी स्ट्रेंथ इतनी सारी है तो इन लोग की वीकनेस भी तो होनी चाहिए ना? ओह यस, आई एग्री विद यू। वीकनेस तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वीकनेस, द ओनली वीकनेस मुंबई इंडियंस को अगर कोई हरा सकता है तो वो खुद मुंबई इंडियंस है। नहीं, दे हैव अ वेरी गुड लाइनअप, आई मीन ऑलराउंडर बोलिए, स्पिनर्स बोलिए, स्पिनर्स में उनके पास एक राहुल चाहर है, ब्यूटीफुल बॉलर, वही में काम आएंगे जहाँ पर स्लो विकेट्स होती है। कृणाल पांड्या है ऑफ कोर्स, कृणाल पांड्या जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, वो परफेक्ट T20 बॉलर है, वीकनेस आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लसित मलिंगा की कमी महसूस होगी, बट माइंड यू मुंबई इंडियंस हैव जसप्रीत बुमराह, so they have that quality bowler in them, so I don't think they'll miss them. Yeah, weakness में अगर count करना है तो मलिंगा की absence को count कर सकते हैं, but they have beautiful Mitchell Marquardt again, जो bowling में आ जाते हैं, beautiful डालते हैं, जो slower wicket पे UAE में slow wickets रहेंगी, तो ये bowlers बहुत काम आएंगे।
यूएई में मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड 2014 में बहुत खराब था, पांचों के पांचों मैच हार गए थे क्योंकि जनरल इलेक्शंस थे तो वहां मैचेस हुई थी, तो वहां पांचों के पांच मैच मुंबई इंडियंस हार गए थे। स्लो विकेट्स आर अ थिंग, यही पर फैक्टर आएगा आपको, वीकनेस यही दो है कि मलिंगा को शायद मिस करे या शायद यूएई के कंडीशंस या मुंबई इंडियंस का अगर कोई टीम हरा सकती है तो वो खुद मुंबई इंडियंस है। हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। उनका एक चीज है कि उनके अटैकिंग प्लेयर्स बहुत है, बूच के साथ थोड़ा रोहित शर्मा विल हैव टू टेक अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज अ सॉलिड बैट्समैन, और टेक्निक में रोहित शर्मा ही खेल सकते हैं जो एंकर का रोल होता है, जो एंकर लाइट नहीं है, एंकर मतलब पूरे टीम को, बैटिंग टीम को ऊपर से शुरुआत से लेकर एंड तक खेलना रोहित को ओपन करना पड़ेगा डिकॉक के साथ, क्योंकि दे हैव अ वेरी डीप बैटिंग लाइनअप। और कोई क्वेश्चन आपके पास? हाँ, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? डैडी ये बताइए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन रहेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुंबई इंडियंस में सारे के सारे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है क्योंकि सब स्पेशल प्लेयर्स है। मुंबई इंडियंस हैव अ वेरी स्पेशल टीम, बट फॉर मी इट्स हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज समवन हु कैन डोमिनेट, डिस्ट्रॉय, ही इज गॉट द बॉलिंग, ही इज गॉट द बैटिंग, और वो बंदा जिसकी शादी अभी अभी हुई है और एक लड़का हुआ है, डेफिनेटली ही मस्ट बी फीलिंग हैप्पी एंड फ्रेश। और उसके अलावा ऑब्वियसली रात में जैसे मैं आपको डायपर पहनाता था तो रात भर तो एकदम स्ट्रेस रहता है फादर्स के लिए, और ऑफकोर्स या तो डायपर चेंज करना ये वो सब तो रहती है, बट ही विल स्टिल बी फ्रेश क्योंकि दिस गाय इज वेरी हंग्री। इनफैक्ट यू नो व्हाट, टी वाई पाटिल जो T20 हुआ था जो बॉम्बे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल बैटिंग की जिससे हिला दिया उन्होंने, इनफैक्ट दुनिया हिला दिया। सो या फॉर मी इट्स हार्दिक पांड्या। फाइव में से कितना पॉइंट देना चाहोगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस सब मिलाकर क्या लगता है तुमको कितना दोगे? फाइव। मैं भी पांच, फाइव मतलब हाई फाइव, क्योंकि मुंबई इज इंडियंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड और अगर वो अपने पोटेंशियल पर खेले तो आई एम श्योर दे ये टाइटल उनका ही है। सो देयर फर्स्ट ओपोनेंट्स चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस विल बी प्लेइंग चेन्नई सुपर किंग्स एंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट साइड्स इन द आईपीएल लेड बाय महेंद्र सिंह धोनी। सो व्हाट डू यू थिंक, महेंद्र सिंह धोनी टीम का पोटेंशियल है जीतने का? ऑफ कोर्स, अगर फाइनल में मुंबई इंडियंस और सीएसके आई ना तो मुझको नहीं मालूम कौन सी टीम जीतने वाली है। श्योर, ये तो डेफिनेटली है, फर्स्ट मैच भी जोल दी है, फर्स्ट मैच से मैच भी नहीं मालूम कौन सी टीम जीतेगी। या सो इतना एक्साइटमेंट है फर्स्ट मैच से लेकर ही मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके एंड दे बोथ विल बी फेवरेट्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट। स्वॉट एनालिसिस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, व्हाट डू यू थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के स्ट्रेंथ्स क्या होंगे? एक तो मालूम है कैप्टन होगा एमएस धोनी, वो तो कंफर्म है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ही इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एंड बैटिंग तो स्लोली एज के साथ जा रही है, बट ओवरऑल उनकी रियल स्ट्रेंथ है उनकी एक्सपीरियंस। जी हाँ, यूएई में जहाँ पर विकेट्स बहुत स्लो रहेगी, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा, वही हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी के लड़के एक्सपीरियंस अपना डालेंगे और उनको वही जो स्ट्रेंथ देगी। बस शेन वॉटसन है, फैम डुप्लेसी है, उनके पास अंबाती रायडू है, उनके पास महेंद्र सिंह धोनी है, केदार जाधव है, जो कि एक स्ट्रेंथ बना देता है। इन कंडीशन में, स्लो कंडीशन में आराम से खेल सकते हैं अगर वो सूझबूझ के साथ खेले तो। इनको बैटिंग में हराना बड़ा ही मुश्किल है जब तक कि वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर ले। नीचे बैटिंग ऑर्डर तो उनके पास ड्वेन ब्रावो है जो अग्रेसिव हो सकते हैं, यू हैव रविंद्र जडेजा ऑफ कोर्स, ये सब है इनके पास प्लेयर्स एक से, सो दीज पीपल अपने गियर्स बदल सकते हैं, एबिलिटी है तो वही स्ट्रेंथ है, उनका एक्सपीरियंस ही स्ट्रेंथ है। महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप भी एक समथिंग टू वॉच आउट फॉर बिकॉज 2018 चैंपियंस रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स अपने कमबैक में ही, एंड धोनी वुड लाइक टू कंटिन्यू, और अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है उनका तो वो नहीं चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट हार जाए। क्या तुमको मालूम है चेन्नई सुपर किंग्स का स्ट्रेंथ खाली उनका एक्सपीरियंस नहीं बट उनकी स्पिन बॉलिंग लाइनअप है? हाँ मैं अग्री करता हूँ, लेकिन उनके पास जडेजा भी तो है। ऑफकोर्स जडेजा है उनके पास, और ऑफकोर्स इमरान ताहिर को आप भूल गए, इमरान ताहिर, रविंद्र जडेजा, फिर उनके पास कर्ण शर्मा है और नए रिक्रूट है पीयूष चावला, तो इतने सारे स्पिनर्स
आपने एक चीज मिस कर रहे हो, शायद हरभजन सिंह नहीं है, वो पोल आउट कर दिया टूर्नामेंट के पहले। जी हाँ, मैं उसको बहुत मिस करूंगा। ऑफ कोर्स हरभजन सिंह को कौन मिस नहीं करेगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है और वो जो एडवांटेज देते हैं ऑफ स्पिनर का, बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है खास करके यूएई में। तो चेन्नई सुपर किंग्स का वीकनेस क्या है? सही सवाल है ये, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का वीकनेस उनका जो एक्सपीरियंस है वही खुद है, क्योंकि ये जो उनका जो टीम का लाइनअप है वो 30+ मोस्टली प्लेयर्स हैं, और 35+ का डिसएडवांटेज T20 क्रिकेट में होता है, क्योंकि बहुत ही बॉडी जो T20 क्रिकेट फास्ट क्रिकेट होती है, तो उसमें आपको यंग बॉडी चाहिए रहती है जिसमें इंजरीज कम से कम हो, इंजरी प्रोन कम से कम हो। अगर आप एक स्लाइड भी मारें तो आपको ऐसा चोट ना लगे कि आपको बाहर जाना पड़े और रिकवर कर लो, और ये यंगस्टर के साथ यही होता है। आप जैसे यंगस्टर लोग हमारी तरह अगर ओल्ड हुए हैं, 35+ होंगे, उनके लिए एक डिसएडवांटेज रहता है T20 क्रिकेट में। सो यार, चेन्नई सुपर किंग्स के जो स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस, वही उनका शायद हो सकता है डिसएडवांटेज। अगला रहेगा सुरेश रैना का एब्सेंस, जो आपने बहुत ही ज्यादा मिस किया आपने वो पॉइंट को। सुरेश रैना इज नॉट हियर इन द आईपीएल, ही इज गॉन बैक होम फॉर द पर्सनल रीजंस, और इस पे बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी जो हमने बात की हमारे पुराने वीडियो में। धोनी विल मिस सुरेश रैना, बट सुरेश रैना इज अ लेजेंड इन T20 क्रिकेट एंड आईपीएल। रैना कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट दे हैव इनफ रिप्लेसमेंट टू बैट इन दैट ऑर्डर, दैट इज अंबाती राइडू, ऑफ कोर्स दे हैव मुरली विजय, एंड दे हैव केदार जाधव हु कैन बैट अप एज वेल। मोस्टली वो नीचे ही करेंगे, बट ये कुछ वीकनेसेस हैं जो शायद अफेक्ट करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को। दैट चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेयर टू वॉच आउट कौन होगा? प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, दे आर बिग प्लेयर्स बट दे हैव पास देयर प्राइम, बट जो प्लेयर आई थिंक दैट कुड मेक अ मेजर डिफरेंस एंड विल बी MAP फॉर चेन्नई सुपर किंग्स विल बी रविंद्र जडेजा। जी, रविंद्र जडेजा रहेगा कैन, क्योंकि रविंद्र जडेजा की लेफ्ट आर्म स्पिन will be very crucial on these wickets specially, तो उसमें जडेजा को एक काफी एडवांटेज मिलेगा और जिस तरह से डालते हैं। उसके अलावा उनकी बैटिंग जो है बहुत क्रूशल रहेगी लोअर ऑर्डर में, क्योंकि ऊपर विकेट जाने के चांसेस हैं जिस तरह से अटैक करेंगे, और अब ज्यादा लंबा नहीं खेल सकते, बस स्लो नहीं खेल सकते, तो विकेट जाने के चांसेस हैं। तो वही 20-30-40 रन विल प्ले अ बिग रोल इन UAE, सो रविंद्र जडेजा इज मास्टर ऑफ दैट। आपका कौन रहेगा? मुझे भी जडेजा ही लगता है। ओके, जडेजा इनका ज्यादा ओपिनियन नहीं है, मेरा ही ओपिनियन चुरा लिया इन्होंने। 5 में से कितना पॉइंट देना चाहेंगे आप क्यान चेन्नई सुपर किंग्स को? फुल 5? आई डोंट थिंक सो, मेरे लिए मैं दूंगा 4, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर लैक ऑफ यंग प्लेयर्स। बहुत हार्ड MI vs CSK विल बी द फर्स्ट गेम इन द IPL एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा जो कैन ने होस्ट किया, बाय द वे नो ही हैजंट होस्टेड गेम्स एंड ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द IPL। माय सन बहुत एक्साइटेड हो ना? Yes, he's definitely. So this was our first episode from the IPL after party. 3 episodes और करेंगे हम लोग बाकी टीम्स को एनालाइज करके, SWOT एनालिसिस आपके लिए। फिलहाल के लिए हमको दीजिए इजाजत, अलविदा, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को। गुड बाय।